कंटेस्टेंट यहां आएंगे वो हमेशा से ही लिम का आजान अशले के ताज के बहुत ही स्ट्रांग कंटेंडर रहे हैं। इतना कहने पे आप समझ ही गए होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। बुलाते हैं द वेरी डैशिंग नव बाजवा। नव, आखिरी परफॉर्मेंस, तो जाहिर सी बात है प्रेशर बहुत ज्यादा है इस वक्त आप पे, लेकिन अच्छी बात यह है कि आप अपने जो कंपेटिटर्स हैं उनकी परफॉर्मेंस भी देख चुके हैं, भांप चुके हैं, तो आप बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देंगे या सुपरलेटिव परफॉर्मेंस देंगे? सुपरलेटिव से भी ज्यादा बड़ी। लवली, वी लव द कॉन्फिडेंस। क्या गाना मिला है आपको? दर्द डिस्को। दर्द डिस्को, दैट्स अ वेरी वेरी न्यू सॉन्ग और बहुत ही हैपनिंग, बहुत ही हॉट गाना बनता जा रहा है आजकल, और यंगस्टर्स को तो आपकी परफॉर्मेंस अच्छी लगेगी ही, साथ साथ गाने की चॉइस भी बहुत अच्छी लगेगी। गुड लक टू यू। थैंक यू। वो हसीना बनी लम्पदी कर गई कैसी जादूगरी, नींद नाखों से छीन दी है दिल में बेचैनियां है भरी। वो हसीना बनी लम्पदी कर गई कैसी जादूगरी, नींद नाखों से छीन दी है दिल में बेचैनियां है भरी। मैं बेचारा हूँ आवारा बोला समझा हूँ मैं ये अब किस किस को, दिल में मेरे भटक के किस को भटक के किस को भटक के किस को, दिल में मेरे भटक के किस को भटक के किस को महीने की छब्बीस को सुनहरे पर्दे के किंग हैं, तो नव बाजवा हमारे लिम्का आजा नचले के इस मंच के किंग हैं। That was a superb performance. Thank you, ma'am. A true star, नव बाजवा। पूछते हैं आपके डांस गुरु से। क्या बोलूं? माइंड ब्लोइंग। सारे वर्ड्स खत्म हो गए हैं, अब कुछ नए वर्ड्स ढूंढने पड़ेंगे ऐसा लग रहा है। बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। वेरी वेल डन गाली जी। सभी स्टार है यार, आप लोग सब स्टार हो। क्या बोले, किसके बारे में क्या बोले। पिछली परफॉर्मेंस होती है तो लगता है कि इससे बेटर अगली नहीं होगी, तो लेकिन एक से बढ़कर एक पिछली भूल जाती है, अगली याद आती है, फिर पिछली भूल जाती है, अगली याद आती है। किस किस को याद रखे यार, इतना अच्छा परफॉर्म करते हो आप सब लोग, माइंड ब्लोइंग।
शीना जी, हम तो थक चुके हैं तारीफ करते करते, अब खुद समझ जाया करो ना कि अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। नीरज जी, ना थक तो गए पर किंग बाजवा, गुड परफॉर्मेंस। थैंक यू सर। जजेस, थक तो गए तारीफें करते हुए लेकिन परफॉर्मेंस देखते हुए नहीं थके। तो ये था एक नया गाना जो इतना अभी तक पॉपुलर शायद नहीं हुआ है जितने पुराने गाने तुम परफॉर्म कराए हो, और पुराने गानों के लिरिक्स पकड़ना इजी रहता है क्योंकि कई बार सुने जा चुके होते हैं। तो आई थिंक एक ये तुम्हारा टेस्ट था जिसके अंदर तुमने टॉप स्कोर किया है, क्योंकि तुमने एक एक चीजें भी जो भी हो रहा है उसको भी तुमने लिप सिंक किया। आई थिंक वही तारीफों के अब तो खैर इतनी चीजें बोल चुके हैं कि तारीफ करने का अब और मन नहीं कर रहा क्योंकि हम भर चुके हैं पूरा। सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि थैंक यू नव फॉर दिस लवली परफॉर्मेंस। आई थिंक दिस वॉज मच मोर देन वॉट वी एक्सपेक्टेड इन अ ग्रैंड फिनाले। सो आई होप दैट कि सारे कंटेस्टेंट अपनी लाइफ में बहुत आगे जाएं और बहुत नाम कमाएं। एंड नव आई थिंक माई हार्ट रियली गोज आउट फॉर यू, यू आर अ माइंड ब्लोइंग परफॉर्मर ऑन स्टेज, रॉक स्टार मैन, यू आर अ रियल रॉक स्टार। संगीता जी, एक बात मैं कहना चाहूंगी सारे कंटेस्टेंट से, आज के इस एपिसोड में एवरीबडी हैज आउटडन देमसेल्व्स, दे हैव ऑल एक्सेल्ड देमसेल्व्स। मतलब हम सोच नहीं सकते थे कि इतना बढ़िया परफॉर्मेंस हमें देखने मिलेगा। और ऐसा लग रहा है जैसे सारे कंटेस्टेंट्स ने लिम्का आजा नचले के ग्रैंड फिनाले के लिए अपना बेस्ट छुपा के रखा हुआ था कि जब ग्रैंड फिनाले आएगा तब हम अपना असली रंग दिखाएंगे और हमारे पास क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या छुपी छुपी जो हथियार है वो हम बाहर निकालेंगे। नव, एज एक्सपेक्टेड You were great, not 1000%, but 2000%. You flowed me completely enough. मैं जानती हूँ नव बड़ा ही उत्साहित है और उत्सुक हो रहा है कुछ कहने के लिए, लेकिन एक बात, एक कैरेक्टर जो मैंने नव के बारे में नोटिस किया है और मैं करण जी से उस बारे में बात भी कर रही थी कि ये इकलौता ऐसा कंटेस्टेंट है जिसको आप अच्छा बोलो या बुरा बोलो हमेशा काम और कंपोज्ड रहता है। मैंने कभी देखा नहीं है कि वो अपने इमोशंस को बिल्कुल बाहर ले आता है, जो उसे बाहर लाना होता है वो परफॉर्मेंस के वक्त ले आता है। और इतना कूल, इतना कंपोज्ड, इतना ठहराव वाला कंटेस्टेंट मैंने सिर्फ और सिर्फ नव को देखा है इस मंच पर, विच इज सो गुड, विच इज ग्रेट। जोश के साथ साथ होश भी है नव में। जी, मैं कुछ कहना चाहूंगा, छोटी सी गुजारिश थी मैम जी, अगर आप मेरे साथ दो स्टेप्स डांस कर लें प्लीज अभी। और मैं चाहूंगा मेरे डांसर्स प्लीज प्लीज। वो हसीना बनी लमतरी कर गई कैसी जादूगरी, नींद ना कुछ छीन दी है दिल में बेचैनी है भरी। वो हसीना बनी लमतरी कर गई कैसी जादूगरी, नींद ना कुछ छीन दी है दिल में बेचैनी है भरी। मैं बेचैन हूँ आवारा बोलो समझा हूँ मैं ये अब किस किस को, Oh!
नव का अब पूरा हो गया. अब हो गई सारी परफॉर्मेंसेस खत्म और अब हम घोषित करते हैं सीज फायर. अब होता है बहुत ही मुश्किल काम जजेस का शुरू, जो है रिजल्ट्स हमें बहुत जल्द सुनाना. लेकिन उस एक्साइटमेंट के साथ साथ एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज आइटम इस एपिसोड में अभी बाकी है, और वो सरप्राइज क्या है इसका बहुत जल्द खुलासा करेंगे. उससे पहले लेंगे एक छोटा सा लिस्ट ऑफ ब्रेक. आई एम श्योर सभी लोग सोच रहे होंगे कि करंट स्टेज पे क्या कर रहा है. मेहरबान कदरदान अपने दिल थाम के बैठिए.